अस्सलाम वालेकुम। साडे नाल मौजूद ने नासर चिनोटी साहब, पाकिस्तान विच इन्हां दी फिल्म जिहड़ी है सुपर पंजाबी और रिलीज़ होने जा रही है। तुसीं कैनेडियन या भारतीय पंजाबी फिल्मों विच इन्हां नूं देखते रहिंदे हो, लेकिन बड़ी जबरदस्त है कि उस लैवल की प्रोडक्शन हुण पाकिस्तान विच भी तुसीं देख सकोगे। 12 महीने में फिल्म रिलीज़ होएगी। नासर अदीब साहब नाल नासर चिनोटी साहब ते सफदर मलिक साहब जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर ने, नासर भाई पाकिस्तान विच इस लैवल की प्रोडक्शन की पहली फिल्म जिहड़ी है तुसीं रिलीज़ कर रहे हो, क्योंकि ट्रेलर मैं देखे है वह बहुत जबरदस्त है। की कहना चाहोगे इस फिल्म बारे? फिल्म अलहमदुल्ला जिनी पूरी टीम ने मेहनत की हैगी, तुम ट्रेलर भी देखे है, स्क्रीन पर तो नज़र भी आई है, तुम्हें चीज़ भी लग रही हैगी कि जिम्मे चढ़ते पंजाब की फिल्म आँदी है, इंज ही लेंदे पंजाब के इस तरह की फिल्म बनन लग पैन, तो बड़ी वड्डी गल है। और सफदर मलिक साहब ने जो एक और ठाकर साहब ने मिलकर जो कदम चुके है, ठीक है, उसका रिजल्ट इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक बहुत अच्छा देंगे। और मैं एक भी कहना चाहवागा कि मतलब कि इस तरह होंगे जो इकट्ठे होकर काम करोगे ना तुम तो बहुत सारे फायदे ने। मैं उन्होंने देखेगा ना, वो पता की होंगे कि साढ़ा इंडियन पंजाबी, इंडियन पंजाबी जो एक बंद काम कर रहा हों ना बाकी सारे दुआवा कर रहे होंगे ने, एक बंदा काम कर रहा हों बाकी दुआवा कर रहे होंगे ने, साढ़े बच्चे ऐसा सिलसिला पै जाता एक काम कर रहे होंगे बाकी बात दुआवा कर रहे होंगे ने। दुआवा करो सारे जिस बंद ने पैसे। साइमा भी हमारे साथ, साइमा बलोच भी इस फिल्म की मेन हीरोइन है, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन नासर चिनोटी साहब से कुछ और भी सवाल करने हैं। नासर साहब, तुम नासर साहब जो असी तुम देखने हैं तुम अन्ने का किरदार बड़ा अच्छा अदा करते हो, तो अन्ना जिंदगी जो फिल्म जो अन्ना है वह बुराइया दुनिया तो नहीं देखता? नहीं नहीं बिल्कुल, पता गल कि जो करैक्टर कर रहे होंगे ना, पहले तो उस करैक्टर अनपन लगे कि लोगों को लगे कि उस करैक्टर है, हुण वह अन्ने वाला जो करैक्टर है तो उस करैक्टर की वजह नाल उस सिर्फ एमी विर्क ने वह मेरा करैक्टर देखा सी कि इस करैक्टर तो फिल्म बननी चाहिए, फिर अन्नी दिया मजाक बनी और माशाल्लाह सुपर डुपर हिट हुई है फिल्म वो, तो इसलिए जो जो भी करैक्टर थोड़ा बिना तुम पहले करैक्टर करो, करैक्टर के नज़र आओ तुम, तो इस वजह ना मतलब वो देना कि जिन्हें जिन्हों जिन्हों रब ने अखा नहीं दी उन मायूस होने की लोड़ नहीं है, अल्लाह होर बहुत सलाहित दे देता है।